हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और गाइस मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल वुल्फ का, आर्क ड्रैगन हंट का। सो गाइस आर्क ड्रैगन हंटर के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने गाइस यहाँ पे देखा होगा गाइस कि हम लोग ऐसे वर्ल्ड में आए जिस वर्ल्ड में गाइस नॉर्मल बॉसेस की जो हेल्थ है गाइस वही हेल्थ गाइस लगभग भाई 600 बिलियन है गाइस, 600 बिलियन हेल्थ वाले जो ना गाइस बॉसेस है ऐसे वर्ल्ड में आए। और ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव करके हम लोग को जो ना गाइस यहाँ पे इन बॉसेस को मारना है गाइस। और हमने इस वर्ल्ड को जो ना गाइस ड्रैगन हंटर नाम दिया है। और गाइस अभी ना यहाँ पे मैंने आपको पूछा था पिछले वाले फर्स्ट एपिसोड में कि मुझे हेल्प करना, मुझे बताना कि ये चीजें कहाँ पे कैसे बनेगी। तो हमारे एक प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने हमारी हेल्प करी है। और गाइस जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा ना उनके लिए गाइस एक मैं झलक दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। झलक दिखला जहाँ गाइस ये देखना आपको, ये बात ये देख रहे हो गाइस, ये गाइस ऑक्सियु किंग ऑफ द डार्क ड्रैगन जो कि मात्र लेवल 1 का है। और लेवल 1 का होने के बावजूद इसकी जो यहाँ पे हेल्थ है वो है 600 बिलियन भाई। इतनी हेल्थ जो है ना गाइस, बाप रे, मैंने जिंदगी में भाई कभी भी देखी नहीं थी किसी डायनो की। और इसके नजदीक जाने से जो है ना गाइस यहाँ पे भाई यार भाई नजदीक जाने से जो ना गाइस येलो कलर की रोशनी जो ना गाइस वो हर तरफ जो ना गाइस आना चालू हो जाती है। और ये एक फटके में किसी को भी गाइस यहाँ पे मार सकता है, इसलिए गाइस ज्यादा मैं इसके नजदीक जो है ना गाइस भटकने नहीं वाला हूँ। और आज के इस एपिसोड में हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स ने गाइस जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी है उनके मदद से हम लोग जो है ना गाइस इस गेम में आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। बाकी गाइस आज का ये वाला जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद यानी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की। सो भाई मेरे घर के नजदीक ना है भाई, और ना मेरा घर जाएगा भाई इसमें, भाई मेरे घर के नजदीक ना है भाई इतनी, भाई मैं बस भाई प्रे करूंगा यहाँ पे क्योंकि इसके एक फटके में जो ना गाइस हम लोग की बैंड बच सकती है। यार मेरे को यहाँ से मेटल चाहिए होगा गाइस, मेटल भाई तोड़ने के लिए ना मुझे कुछ चीजें बनानी पड़ेगी, वो फटाक से मैं बना लेता हूँ। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ना नीचे भाई आपको दिख जाएगा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो कि लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे निट्राडो सर्वर का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना। वहां से आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। वैसे कहीं उस बॉस के रेंडर से गाइस मैं थोड़ा सा भाई दूर आ चुका हूँ, इसलिए अभी वो बॉस जो है गाइस मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। और उस बॉस से ज्यादा दूर जो है ना गाइस मैंने अपना घर नहीं बना है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है कहीं पे वो बॉस आके जो ना गाइस हम लोग की बैंड बजा के ना चला जाए। मैं फटाफट से जो ना गाइस यहाँ पे कुछ भाई टूल्स अपग्रेड करने के लिए जो ना गाइस रिसोर्सेज ले लेता हूँ। एंड घर पे जाके सबसे पहले तो हम लोग हमारे जो टूल्स है ना उनको अपग्रेड करने का काम करेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग को जो ना गाइस यहाँ पे अभी जो भी चीजें गाइस यहाँ पे बनानी है इन डायनोस को बॉसेस को टेम करने के लिए वो चीजें कहाँ पे बनानी है ना गाइस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे थोड़ा सा फाइबर बिरबर जो है ना गाइस वो भी यहाँ से उठाने दो। बाकी गाइस मैं आज जो है ना गाइस अगर ट्रैंक एरोज बना पाया तो किसी पावरफुल से डायनो को टेम करने की जो गाइस कोशिश है ना गाइस वो जरूर से करूंगा। बाकी मुझे ना एक फ्लायर चाहिए होगा गाइस, ठीक है। रुको भाई चोर से भाई बच जाओ तो फ्लायर टेम कर लूँ मैं। रुको गाइस मेरे को थोड़ा सा भाई यहाँ पे भाई वो देखो भाई वो ड्रैगन जो है ना गाइस उसके नजदीक जाते गाइस यहाँ पे ना भाई म्यूजिक सूजिक बजना चालू हो जाता है। वैसे यहाँ पे एक चारचा भी था गाइस रेड रेड कलर का, वो पता नहीं कहाँ पे चला गया। वो वैसे जो है ना गाइस उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, ये ड्रैगन के हाथों तो एक दो बार गाइस मैं यहाँ पे मारा भी गया था पिछले एपिसोड में। अभी जो है ना गाइस आप बोलोगे कि मेटल क्यों इकट्ठा कर रहा है भाई, तो गाइस यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मॉड है ना गाइस वो शुरू करने से पहले हम लोग को जो है ना गाइस यहाँ पे कुछ चीजें बनानी पड़ेगी क्योंकि इस मॉड में इन डायनोस को मारने के लिए या फिर इस बॉस को मारने के लिए जो डायनोस बिनोस टेम कर रहे ना वो डायनोस जो ना गाइस टेम करने के लिए उनके सैडल पेडल बनाने के लिए मुझे एक स्मिथी बनाना पड़ता है। मैंने पिछले एपिसोड में नॉर्मल स्मिथी बना के जो ना गाइस उसके अंदर वो सारी चीजें बनाने की कोशिश करी थी, बट गाइस मैं यहाँ पे नाकामयाब रहा था क्योंकि नॉर्मल स्मिथी में जो ना गाइस ये सारी चीजें बनती नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल तरीके की स्मिथी चाहिए होती है और वो स्मिथी भी आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने जो ना गाइस पानी के अंदर एक ये जो है ना गाइस ये है भाई ब्रायनिक्स वो भी लेजेंड वाला, और इसका टॉर्पर आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा हाई है।
सो इससे जो ना कहीं अभी फिलहाल के लिए तो मुझे बच के रहना है, और मेरा बस इस पहाड़ी के जो ना कहीं बेस के मतलब ये पहाड़ी के ऊपर मैंने अपना बेस बना रखा है भाई। ड्रैगन अभी भी दिखाई दे रहा है भाई, गलती से वहाँ से अटैक करेगा मेरा घर ना उड़ जाए भाई आप बे हैं गाइस। चलो आ जाओ मैं फटाफट से अपने घर पे चला जाता हूँ गाइस, ठीक है। वहाँ पे अपने टूल्स बिल्स अपग्रेड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे जो ना गाइस वो कौन सी चीज़ यहाँ पे बनानी है, और मुझे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो रिसोर्सेज भी गाइस हम लोग जो ना गाइस आज यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है भाई। चढ़ जाओ ऊपर यार, चढ़ जा भाई ऊपर, ठीक है। चलो फटाफट से जो ना गाइस मैं अपने बेस पे पहुँच जाता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को बनाना क्या है गाइस, ठीक है। रुको गाइस, भाई यार भाई कितना ज़्यादा स्लोली स्लोली तैर रहा है, मेरे को लग रहा है मैंने अपनी मूवमेंट स्पीड जो ना वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है। मैं ऑब्सीडियन लेके जाऊँ क्या? वैसे गाइस मेटल के टूल के बिना ऑब्सीडियन जो ना काफ़ी कम मिलेगा यहाँ से, बट फिर भी गाइस मैं तोड़ के लेके चलता हूँ गाइस, ठीक है। ऑब्सीडियन में भी गाइस मेरे किसी ना किसी काम आ जाएगा गाइस ऑब्सीडियन, इसलिए गाइस यहाँ से तोड़ के लेके चलता हूँ। हाँ मुझे थोड़ा सा वुड बिट जो है ना गाइस वो भी लेके जाना है, ताकि मैं घर के अंदर जो ना गाइस मेटल बिटल पिघलाने के लिए डाल सकूँ गाइस, ठीक है। रुको, अरे हाइट भी चाहिए होगा क्या भाई? डोडो का भाई गेम बजा के भाई मैं हाइट भी लेके चलता हूँ, रुको गाइस, ठीक है। रुको डोडो सर आभारी हूँ। चलो गाइस डोडो का गेम बजा डालते, और गाइस इसको मार के जो ना गाइस हाइट इकट्ठा कर लेते हम लोग, और इसके हाइट से जो ना गाइस कुछ चीज़ें मेरे को बनानी है यहाँ पे। ये ले मर जा भाई। ओके चलो अभी फटाफट से गाइस हम लोग जो ना गाइस अपने बेस पे जाते हैं। वैसे मैंने इस बेस पे जो ना गाइस बेड बीट लगाए थे कल वाले एपिसोड में, मतलब पिछले वाले एपिसोड में, बट गाइस वो बेड बीट जो ना गाइस आज जब मैं सवेरे आया तो सब कुछ गायब था गाइस। ये देखो पूरा बेस गायब था, मैंने कुछ यहाँ पे फोर्ज बना के रखी है बस खाली, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैं फोर्ज के अंदर जो ना गाइस जो अपने पास मेटल है उसके चार हिस्से कर देता हूँ, एंड इसके अंदर जो ना भाई एक्चुअली में भाई मैं पाँच हिस्से कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भाई मेटल मुझे भी चाहिए होगा ना गाइस यहाँ पे। हाँ गाइस थोड़ा सा मेटल मेरे को भी चाहिए होगा, ये लो इधर डाल दो भाई, क्योंकि मुझे जो ना कि कुछ पोशंस विशंस बनाने पड़ेंगे, लाइक हंगर बिंगर पोशन, उसके लिए थोड़ा सा मेटल चाहिए होगा, इसलिए भाई थोड़ा सा मेटल मैं जो ना कि अपने लिए बचा के रख रहा हूँ भाई। भाई 3000 वुड कहाँ पे डाल दे, इतना ज़्यादा इस वुड की तो ज़रूरत है हम लोग को, वो मेटल डाल दे और इसको भाई पिघलाने के लिए डाल देता हूँ भाई, ठीक है। ऑलराइट, एंड मुझे थोड़े से भाई हंगर बिंगर पोशन बनाने पड़ेंगे, सो मैं एफ एम के वाले एक दो हंगर पोशन, चार पाँच चिलिंग पोशन बना लेता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ अभी फटाफट से जो ना गाइस मैं आपको अपग्रेड स्टेशन भी बनाना पड़ेगा ना गाइस। रुको गाइस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपग्रेड स्टेशन, ब्लूप्रिंट स्टेशन भाई, ठीक है। और मैं अपने टूल्स को सबसे पहले तो मैं अपग्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सारा सामान भी मान जो ना गाइस वो सब कुछ गायब था। कैसे गायब हुआ मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे अपने बेस पे जो ना गाइस लिटरली कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो फटाफट से मैं अपने जो सारे के सारे टूल्स हैं ना गाइस उनको यहाँ पे अपग्रेड करने का काम कर लेता हूँ, और इनको भाई फुल टू असेंडेड वाला डायरेक्टली बना लूँगा मैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि हमको कमेंट में जो ना गाइस क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मिली है। ओके ये यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अरे यार मुझे तो गाइस अपने भाई सूट को भी अपग्रेड करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्रिएट ब्लू प्रिंट, इसको भी क्रिएट ब्लू प्रिंट कर लें, और यहाँ पे भाई हम लोग असेंडेड वाले मैक्स वाले जो ना टूल बनाने के लिए डाल देते हैं। उसके बाद मुझे अपने आर्मर को भी इधर डाल देता हूँ, आर्मर तो जो ना आर्मर जो है ना गाइज वो अपग्रेड होने के बाद उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन तो नहीं देगा, बट ठीक ठाक प्रोटेक्शन जो है ना गाइज वो हम लोग को मिल जाएगी, तो इसलिए गाइज 100 प्रोटेक्शन मिलेगी। अभी हमारे आर्मर में ना 20 प्रोटेक्शन है, ठीक है। सो मैं इसको फटाफट से यहाँ पे इस तरह से असेंडेड में अपग्रेड कर लेता हूँ। ओके गाइज ये होने वाले बस असेंडेड में अपग्रेड यहाँ पे हो गया समझ लो। चलो गाइज हमारा जो गाइज हेड था ना गाइज वो अपग्रेड हो चुका है, एंड बस अभी एक दो चीज़ें अपग्रेड होना बाकी है। चलो तो गाइज पूरा का पूरा सूट जो है ना गाइज हमारा वो यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है, इसको मैं वापस से पहन लेता हूँ, एंड उसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग को बनानी क्या चीज़ है, ठीक है। तो कमेंट पढ़ के गाइज मुझे ये पता चला कि हमारी जो नॉर्मल वाली स्मिधि है जिसका इस्तेमाल में गाइज यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें बीजे बनाने के लिए कर रहा था, वो स्मिधि एक्चुअली में गाइज हम लोग को यहाँ पे यूज नहीं करनी है गाइज, ठीक है। हमको जो ना गाइज यहाँ पे सिंथिसाइजर ये वाली जो गाइज है ना रिसोर्स सिंथिसाइजर ये यूज करना है, और इसके इस्तेमाल से हम लोग जो है ना गाइज यहाँ पे बाकी की जो सारी की सारी चीजें है ना गाइज वो यहाँ पे बना सकते हैं, लाइक पोशन हो गया और बाकी की सारी चीजें हो गया। अभी गाइज इसको बनाने के लिए ना हम लोग को चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनिक मेटल इनगट क्रिस्टल और सीमेंटिंग बेस्ड। अभी ये सारी चीज़ें मुझे फ्री में गाइस यहाँ पे मिल सकती है, अगर मैं ऐसे बनाने के लिए निकलता हूँ ना गाइस ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम लोग को जो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे फिर बनाना पड़ेगा फैब्रिक फैब्रिकेटर। बट अगर मैं यहाँ पे रुको गामा पहले भाई 3 करने दो, गामा कुछ ज़्यादा पे बढ़ गया भाई, ठीक है। सो गाइज अगर मेरे को ये फ्री में चीज़ें चाहिए ना तो मुझे सबसे पहले तो एक फ्लायर टेम करना पड़ेगा गाइज, ठीक है। और उस फ्लायर को जो ना गाइज हम लोग लेके गाइज इधर उधर घूमेंगे,
और उसकी मदद से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विलेक्ट्रॉनिक इजीली मिल जाएगा। बस मुझे एक जो ना टेक वाला डायनो को ही मारना पड़ेगा, और अभी मैं एक फ्लायरी डैम करने के लिए जा रहा हूँ यार। एक क्लब बना लेता ना गाइज मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्पोर तो मैं ऐसे इजीली नहीं दे पाऊँगा ना गाइज। मुझे क्लब की ज़रूरत जो ना जो ज़रूर से पड़ेगी आप हैं, ठीक है। रुको मैं भाई एक डोडो को पेड़ डालता हूँ, ठीक है। इससे गाइज थोड़ा सा हाइट बीट भी ले लेता हूँ, एंड उसके बाद जो है ना गाइज मैं अपने बेस पे जाके क्लब भी बना लेता हूँ भाई, ठीक है। भाई 100 का डैमेज पड़ रहा है खाली भाई, 100 का डैमेज पड़ रहा है भाई, ठीक है। चलो मैं वैसे इसको मार के जो ना हाइड ही निकालना चाहता था। चलो गाइज फटाफट से घर पे चलते हैं, और एक फ्लायर जो ना गाइज टेम करे बिना हमारा आगे का काम हो नहीं पाएगा। और फिलहाल के लिए ना मुझे पता भी नहीं कि मैक्सिमम इसमें जो डायनोज है ना उनको पकड़ते कैसे, टेम कैसे करते हैं। जब मैं एक्सप्लोर करूंगा तभी मेरे को पता चलेगा कि यार ये मॉड एक्चुअली में है क्या, ठीक है। रुको पहले तो मुझे भाई एक बेड बना दो, जिससे मरने के बाद मैं वापस से जो ना गाइज यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकूँ। और एक ही बना लेता हूँ क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा है नहीं, और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे गाइज यहाँ पर बनाना है गाइज एक क्लब, बोल राइट गाइज, मुझे बनाना पड़ेगा गाइज एक क्लब। ये बन गया क्लब। चलो गाइज अभी फटाफट से क्लब को जो ना गाइज अपग्रेड करने का काम कर लेता हूँ मैं, एंड उसके बाद जाके हम लोग एक पीटी को पकड़ेंगे। फाइबर चाहिए होगा, लकीली मैं 1000 फाइबर लेके आया ना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जाके पीटी को पकड़ लेंगे हम लोग, एंड उसको लेके जो ना गाइज थोड़ा वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे इस वर्ल्ड में और कौन कौन से खतरनाक से जो ना गाइज डायनोज और मॉन्स्टर हम लोग को दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके इसको यहाँ पे रख दें, सब कुछ गाइज हमारा रेडी है, सब कुछ रेडी है, ठीक है। अब पीढ़ी का सैडल बनाने के लिए कुछ चिटिन बिटिन चाहिए होगा, उसका जुगाड़ तो हम लोग कर लेंगे बाद में। क्लब ले लिया ना मैंने। चलो गाइज अभी फटाफट से चलते, मैंने पहाड़ी के ऊपर जो ना गाइज कुछ पीटीज को देखा है उनको बेहोश करके मैं टेम कर लेता हूँ। लो लेवल का मिल गया ना तो भी चल जाएगा गाइज, ठीक है। वैसे मुझे लेवल जो है ना गाइज वो उतनी खास कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस यहाँ पे बस एक जगह से दूसरी जगह पे सेफ जाने के लिए एक डायनो चाहिए। तो पहाड़ी के ऊपर मैंने कुछ पीटी देखे हैं, ये रहा गाइस पीडी 45 लेवल का है गाइस, ठीक है। मैं 45 वाले को वैसे टेम तो कर सकता हूँ, बट मुझे अगर थोड़ा सा और हाई लेवल का मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता। बट गाइस मैं पहले इसको नॉक कर लेता हूँ भाई, ठीक है भाई। इजी पीजी यार, 10-10 का डैमेज गाइस इसके ऊपर पड़ रहा है यहाँ पे, और मैं इसको इजीली जो ना गाइस नॉकआउट कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको इजीली नॉकआउट कर दिया है। अभी मुझे जो ना गाइस एक थोड़ा सा हाई लेवल का पीडी ढूंढ लेना है। अगर गाइस 200 लेवल यार, 2.2 के, क्या मैं 2.2 के टॉर्पोर दे पाऊंगा? आई थिंक से शायद से नहीं यार, 2.2 के टॉर्पोर देना जो ना गाइस थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। बड़ा ट्रामा ले भाई साहब, भाई अभी गलत बंदे को भाई गलती से लग गया। वो अच्छी बात है गाइस कि एग्रो नहीं हुआ मेरे ऊपर। नहीं गाइस इतना ज़्यादा टॉर्पोर जो ना गाइस मैं दे नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, ठीक है। 2.2 के टॉर्पोर जो ना गाइस वो दे नहीं पाऊंगा गाइस मैं इसको। मुश्किल से गाइस मैंने इसको 1000 जो ना गाइस 1.2 के टॉर्पोर यहाँ पे दिया है। एक काम करना, ये हाथ में ले, जैसे उड़ेगा वैसे इसको जो ना गाइस हम लोग यहाँ पे पट्टे से वापस से धर लेंगे। नहीं लग रहा गाइस धर लेंगे करके, ठीक है उड़ गया गाइस। चलो कोई ना, मैं अपने इस वाले पीटी को जो ना गाइस यहाँ पे टेम कर लेता हूँ। इसको टेम करने के लिए मुझे रेगुलर किबल चाहिए, रेगुलर किबल तो बना लूंगा गाइस मैं, वैसे कोई सीन नहीं है। इसके अंदर मुझे ये डालने दो, थोड़ा सा मेटल ऊपर से लेके आने दो गाइज, वो मेरे भाई एक्सपी पोशन और गाइज हीलिंग पोशन भी बनाने के काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगा। ये वाली जो पहाड़ी देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम नहीं गाइज, यहाँ पे भाई भर भर के मेटल मिल जाएगा। ये देखना, ये देखो गाइज बड़े बड़े से मेटल के पत्थर है गाइज, जिनको हम लोग अपग्रेडेड वाले भाई ये एक्स से भाई तोड़ेंगे। और ये रहो भाई 5, 6, 7, 8 800 लगभग जो ना गाइज मेटल मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इससे किबल पीपल भी बना पाएंगे और इजीली गाइज हमारे पीटी को जो है ना गाइज हम लोग टीम भी कर लेंगे, ठीक है। और इसमें से थोड़ा सा मेटल जो है ना गाइज वो मैं यहाँ पे अपने फोर्ज के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि लगभग भाई 150 मेटल जो है ना गाइज मुझे वो स्मिथी बनाने के लिए खाली चाहिए था, ठीक है। ये लो हंगर पोशन पी ले भाई। ओके अच्छी बात है कि अभी तक जो है ना गाइज किसी खतरनाक से मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला नहीं करा है। अभी फटाफट से चलता हूँ मैं, पीटी को टेम कर लेता हूँ। बट पीटी का जो सैडल होगा ना गाइज वो बनाना थोड़ा सा जो है ना गाइज चैलेंजिंग हमारे लिए होने वाला है। बट अगर मैं इसको मारूँ, बट इसको मारूंगा कैसे मैं ना, अगर मैं इसको मार देता हूँ ना गाइज तो इससे मेरे को केरेटिन मिल जाएगा, जिससे मैं अपने पीटी का जो गाइज क्या बोलते हैं सैडल होता है ना गाइज वो बना लूंगा, ठीक है। मेरे को पहले रेगुलर किबल जो है ना गाइज वो इसको खिलाने दो, इसको टेम करने दो, ठीक है। क्या ये पीटी गाइज उस टेगो को मार पाएगा? थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है बट नामुमकिन तो नहीं है ना। पर इसका डैमेज पहले देखना पड़ेगा मेरे को कितना जा रहा है टोटल। मैं इसके मिली डैमेज में पॉइंट डाल देता। भाई यार मिली डैमेज में पॉइंट नहीं चाहिए मेरे को, मैं क्या करूँगा इसके मिली डैमेज में पॉइंट डाल के। वैसे भी मार दे भाई इसको,
भाई 100 का डैमेज आ रहा है इसका। ठीक है पैसिव रे मेरे भाई, पैसिव रे, इधर आ। स्टेगो के ऊपर मतलब 50 का डैमेज ही जाएगा इसका। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ। और मेरे पास एक आइडिया है भाई, वॉर्डन आइडिया सर्जी आएगा इस मेरे को अभी। मैं इसके मिली डैमेज में भर भर के पॉइंट डाल देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं इसको ना ग्रुप पोशन खिला दूंगा, जिससे भाई ये इम्प्रिंट हो जाएगा। और इम्प्रिंट होने के बाद इन लोग का डैमेज और ज्यादा बढ़ जाता है। जा बेटे जा, पेल डाल। जेब बात मैं भी स्पेयर मारूंगा भाई, साइड से मैं भी स्पेयर मारूंगा भाई। तू पेल डाल भाई। 117 का डैमेज दे रहा है भाई। मेरे पीटी की जो है ना गाइस, मुझे जान थोड़ी खतरे में लग रही है। मुझे अपनी पीटी की जान थोड़ी खतरे में लग रही है भाई। लो पैसिव, इधर आ मेरी जान भाई, इधर आ। अरे मार दिया साले ने भाई, आराम कर रे, मार दिया मेरी पीड़ी को भाई, इसकी माँ की भाई। सोरे आराम जाते देश द्रोही, मार दिया भाई साले ने मेरी पीड़ी को। अबे नहीं यार, अबे यार इस पाइक लास डाल दे भाई, नहीं चाहिए भाई। अभी तो ये मरा गई भाई, इसने मेरी पीड़ी को मारने का दुस्साहस कर रहा है। बाप रे, उड़ा रहा है भाई दूर दूर उड़ाए जा रहा है। बग बेस क्या। मैं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा यार भाई। इसने पूछ में भाई फंसा के मारा यार मेरी पीड़ी को भाई। इसके जो ना गाइस पूरे बॉडी पे इतने भाले मारूंगा जिसने जिंदगी में सोची ना होगी कभी भाई। भाले मार मार के चेप डालूंगा भाई। नॉर्मल डायनो से मर गया मेरा पीड़ी बेस क्या। मर जा मेरी जान। अबे मर जा भाई, मरने का नाम नहीं ले रहा भाई ये। अबे मर जा मेरे भाई, मर जा। फाइनली मरने वाला है गाइस, ठीक है फाइनली मरने वाला। मेरे पास जो हीलिंग पोशन है ना गाइस, इनको यूज करके मैं इसकी बैक भाई, इसका तो डैमेज नहीं बढ़ रहा मेरे ऊपर, अभी बढ़ रहा है 24 का डैमेज पड़ा। ठीक है भाई, तेरी हेल्थ कितनी है? स्टैमिना ड्रेन लगा रहा है 400 भाई। आप इसकी हेल्थ जो ना गाइस अभी तक बची हुई है, इसने पूरा मेरा स्टैमिना ड्रेन कर दिया भाई। 300 भाई स्टैमिना ड्रेन भाई, टॉर्पोर चढ़ा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है भाई। 100 भाई यहाँ पे ओनली जो ना इसकी हेल्थ बची हुई है, और 3-4 बार मारूंगा ना तो इसकी हवा टाइट हो जाएगी। बस बेस क्या, लाड़ में आ रहा भाई। दे दे मेरे को चीटी नोड के रिटिन, 74 दे दिए। वैसे एक पीटी का सैडल बनाने के लिए हम लोग को कितना चाहिए होता है? 84 समथिंग ना भाई। यहाँ पे अलग अलग पीटी के सैडल ले रहे, नॉर्मल वाला बनाने के लिए एक और चाहिए होता है यार, वो कम पड़ गया थोड़ा सा भाई। यहाँ पे अलग अलग तरह के पीटी भी भाई हमको मिलेंगे, बट अभी के लिए तो कैसे हमारा ये वाला पीटी मारा जा चुका है। मुझे एक और लो लेवल का पीटी जो ना कैसे वो ढूंढना पड़ेगा भाई। आज पूरा दिन पीटी ढूंढने में और उसको टेम करने में ना निकल जाए यार। मुझे एक्सप्लोर करके वो स्मिधि बना लेने किसी भी कीमत पे आज यार। ठीक है, मुझे स्मिधि बना लेने। लेवल कितने बेहतरी? 405 भाई, 405। अबे भाई लो लेवल का नहीं है क्या? 255 भाई, 60 लेवल का पीटी है, वही चाहिए मेरे को भाई। वो 60 लेवल का पीटी देखा कैसे आपने? ये नहीं, वो रहा ये वाला पीटी मेरे को चाहिए। ये पीटी मेरा ही चाहिए बाबा, मेरा ही चाहिए। मरना नहीं भाई, हीलिंग पोशन खा ले। ठीक है रुको गाइस, मैं फटाक से इस पीटी को टेम कर लेता हूँ। अच्छी बात है कि अपन जहाँ पे भाई घर बनाया ना, उस वाले एरिया में ज़्यादा कुछ वो मॉन्स्टर जो है ना गाइस वो है नहीं वैसे। ठीक है चलो, इसको फटाक से भाई रेगुलर किबल खिला के मैं टेम कर लूँगा, फिर तो इसको मेरे को नॉकआउट कर दे दो। ठीक है भाई, गलती से ट्रैक को लग गया ना तो ट्रैक बावड़ा हो जाएगा भाई। ये ले भाई 60 लेवल। अभी इसके अंदर गाइस मैं डाल देता हूँ प्राइम मीड और FMK वाला जो है ना गाइस हमारा, हाँ टेमिंग पोशन। ठीक है ये ले, हो जा टेम। इसका 1K टॉर्प वो हेल्थ है ना। ठीक है मर भाई, तेरे को एक भाई काम करना मेरे भाई, रुको गाइस। इसकी हेल्थ में, इसकी वेट में, इसके स्टैमिना में यहाँ पे पॉइंट डाल दें। और मेरे भाई तेरे को जो है कितनी हेल्थ है तेरी? 600 ना। इसकी बैंड बजा डालनी है भाई, इसकी बैंड बजा डालनी है। 77 का डैमेज दे रहा बता मेरे को, बट मैं हूँ तेरे साथ भाई, टेंशन न को लेने का। हमेशा तो डरने की क्या बात। अभी मैं इसको क्यों मार रहा है बताएं? मेरे को केरेटिन चाहिए गाइस, केरेटिन चाहिए गाइस। केरेटिन के बिना जो ना गाइस मैं खास कुछ कर नहीं सकता। ले पट्टा से हेडशॉट, ले पट्टा से पिछवाड़े पे। 62 का डैमेज पड़ रहा है मेरे स्पेयर का। इस बार वाला भाई पीडिया मार। व्हाट द मां, कैसे भाई 19 का डैमेज दे रहा था भाई? मेरी किस्मत ही खराब चल रही है क्या भाई? 19 का डैमेज दे रहा था वो, उसकी 600-700 हेल्थ थी। अभी क्या बोलूं मैं गाइस, समझ ना आ रहा मेरे को भाई। पूरा एपिसोड भाई पीटी टेम करते हुए चला गया, तो हम लोग क्या कर पाएंगे गाइस यहाँ पे भाई? वहां पे कैलुसोरस दिख रहा मेरे को, 15 मिलियन टॉर्पोर। हाँ बेटा,
भाई देखो उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है बाहर अजीब सी, और बोले 15 मिलियन टॉर्पोर है उसका। भाई घर जाएगा मेरा भाई, 15 मिलियन टॉर्पोर क्या होता है भाई, यहाँ पे मैं 500-600 टॉर्पोर नहीं दे पा रहा हूँ, तुम 15 मिलियन की बात करते हो। रुको गाइस यार भाई, ये इसको डेम कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएंगे भाई। पेपर एक्स घूम रहा भाई यार, यहाँ पर रेक्स घूम रहा, पता नहीं रेक्स आराम कर यहाँ पे आया कहाँ से। बट गाइस मेरे को किसी भी कीमत पे इस वाले पीढ़ी को जो है गाइस वो टेम करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अभी और कोई चारा जो है गाइस वो अपने पास दे नहीं, और लकीली पीढ़ी जो है गाइस वो भी कहाँ बैठा देखो गाइस। रुको गाइस मैं थोड़ा सा पीढ़ी को जो है गाइस यहाँ पे टेम करके आता हूँ, बस वो उड़ना चाहे मेरे को पता है ऊपर कैसे जाना है। यार पूरा दिन पीढ़ी टेम करने में निकलने वाला है लग रहा है मेरा भाई। मेरे पास और भी जो है गाइस कोई भाई, रुक जाओ, ट्रॉटपुर बिल पर ट्रैंक बिंग देने वाली कुछ इनकी खुद की भाई नहीं है अभी तो एरो, वो सब कुछ बनेगा उस मिधि में ही बनेगा भाई। उड़ गया वहाँ से, ठीक है भाई। रेक्स के मुंह में जाके बैठ जाना भाई, एक काम कर ले, रेक्स के मुंह में जाके बैठ जाओ, मर जा भेज गया भाई, जा तो सच में रहा रेक्स के मुंह में। उड़ गया भाई, उड़ गया, मेरे को लग रहा है रेक्स के पास ही जाके बैठने वाला ही है, ठीक है भाई। इसके नीचे उतरने का इंतजार करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, या फिर मैं अपना भाई जलवा दिखा दूँ यहाँ पे। वैसे तो भाई कभी जिंदगी में लगा नहीं ऐसे, आज क्या लगेगा, कम ऑन भाई लग जा यार। भाई साइड से निकल गया यार उसके, ये लो ये वाला लगेगा। ओ अरे यार रेक्स ने अलग से देख लिया भाई, गाइज बैंड बजी पड़ी है, रेक्स ने अलग से देख लिया गाइज यहाँ पे। गाइज एक काम कर लेता हूँ मैं, वैसे भी गाइज ये मॉड भाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ना, अपन लोग गाइज यहाँ पे एक ट्रैंक एरो जो ना गाइज, और ट्रैंक उसका भाई जुगाड़ कर लेते हैं, उसके बिना जो ना गाइज पूरा एपिसोड हमारा ना यहाँ पे पीटी को टेम करने में निकल जाएगा, या फिर नहीं गाइज। थोड़ा सोच रहा था मैं चीटिंग दे शीटिंग कर लूँ, बट बाद में मुझे अभी यहाँ पे 60 लेवल का एक पीटी दिखा है। रुको गाइज मैं इसको फटाक से टेम कर लेता हूँ, उसके बाद गाइज हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे गाइज यहाँ पे इस वर्ल्ड में। अरे यार कहाँ पे चला गया वो पीटी भी, वो पीटी भी गायब हो गया क्या भाई, अभी ये पे तो था 60 लेवल का पीटी, लग रहा है गाइज गायब हो गया। अरे यार एक पीटी टाइम ना हो रहा है गाइज मेरे से, बताओ भाई एक पीटी टाइम ना हो रहा है, मेरे को दिख तो रहे बट भाई इन लोग का टॉर्पर बहुत ज्यादा है। ओ शिट ये क्या भाई मार रहा है अपने हाथ भाई, तेरे भैंस की भैंस को नमन, रुक ये ले अबे नहीं इसे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको भाई, ये तो कुछ जो काइंड ऑफ ज़ॉम्बी है। अबे क्या मार रहा है भाई, चलना घर जाएगा। अरे भाई सब मेरा घर चला गया भाई, हेलो। अरे भाई अवतार सिल्वर, ये कौन सा अवतार भाई, ये कौन सा अवतार है क्या, क्रिप्टेड अवतार भाई, अचानक से जमीन में से प्रकट हो गया भाई इसकी आंख, ये क्या बदतमीजी है। रुको कैसा, रुको एक मिनट रुको कुछ तो भाई जुगाड़ कर लेता हूँ ये, वरना भाई इसे भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मोड भाई, पहले से बहुत डिफिकल्ट है। रुको भाई आज ना मैं कुछ तो तूफान ही करना चाहता था कैसे, आप तूफान ही छोड़ो भेज के, मैं अभी भाई एक पीटी भी डेम नहीं कर पाया पिछले भाई आधे घंटे से, इसलिए गाइस मैंने भाई एक डिसीजन लिया है। देखो ये मॉड तो है भाई थोड़ा सा भाई डिफिकल्ट, इसलिए कि हम लोग जो ना गाइस बेसिक सी जो हमारी चीज़ें हैं ना गाइस वो यहाँ पे पहले तो भाई ले लेते हैं भाई, ठीक है। बाकी तो गाइस हम लोग जो ना गाइस बाद में सारी चीज़ें जो ना गाइस वो इकट्ठा कर लेंगे। अभी मैंने गाइस एक लॉन्ग नेक ली है, उसके बाद गाइस हमारे पास टेलीपोर्टर उसका रिमोट जो ना गाइस वो आ चुका है। पहले तो जाके ना पहले एक पीटी का भाई सैडल बिडल भाई बना लूँ मैं, ठीक है। पीटी है पीटी का सैडल बनाने के लिए फाइबर चाहिए होगा, ये लो पीटी का सैडल बन गया। अभी मुझे जाके पहले तो पीटी को जो ना गाइस यहाँ पे टेम कर लेना है, उसके बाद मुझे गाइस यहाँ पे ढूंढ लेना है क्या बताए। रुको गाइस बोले तो एफएम के पोशन बना ले भाई, 100 बन जाएंगे भाई, 100 की जरूरत नहीं है वैसे, 100 भाई हीलिंग पोशन की जरूरत है वैसे 100, ठीक है। मैं हीलिंग पोशन जो ना गाइस वो यहाँ पे बना लेता हूँ, बाकी का जितना भी मेटल मेरे पास बचेगा ना वो यहाँ पे पिघलाने के लिए डाल देता हूँ। कितना मेटल बचा है, 2000 मेटल है ना भाई, 1000 मेटल यहाँ पे पिघलाने के लिए डाल दे, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे जो ना कैसे वो पड़ने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे पिघलाने के लिए मेटल को डाल देता हूँ। अभी फटाफट से जाके पीटी को टेम कर लेते हैं, अभी गाइस काफ़ी ज़्यादा इजी होगा गाइस पीटी को जो ना गाइस नॉकआउट करके टेम कर पाना। ओके चलो गाइस फटाफट से चलते और एक पीटी को टेम करके भाई हम लोग सीमेंटिंग बेस लेके आते हैं और वो चीज़ बनाते जिस भाई चीज़ के अंदर जो ना गाइस सारे के सारे हमारी लाइक बेसिक सी चीज़ें बनने वाली है, ठीक है। इनकी कुछ तो काइंड ऑफ स्मृति है, बट उसका नाम जो है ना स्मृति नहीं है, कुछ और ही है, वो चीज़ बना लेता हूँ मैं। अबे उड़ना नहीं यार, मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ भाई, किधर उड़ के जा रहा है, अरे कितने चल रही भाई, सोनी है भाई, उड़ उड़ के है। रुक भाई रुक, ले पट्टे से हेडशॉट ले ले, ले पट्टे से हेडशॉट। अरे तू कहाँ से आ गया भाई, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा यार,
तू कब पीछा छोड़ रहा है ना, पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, आराम ज्यादा तो आराम ज्यादा पीछा ना छोड़ रहा भाई। तेरे को क्या करा मैंने भाई साले, आराम गुरु तेरी हिल्त कितनी है भाई, तेरे को मार दूंगा देख ले भाई, देख ले भाई आराम गुरु आया कहाँ से भाई, 46,000 भाई हेल्थ हर एक से बिड़वा दूंगा भाई तेरे को, ये क्या चीज है भाई। अब रुको रुको रुको, 24,000 टॉर्पर है क्या तेरा, और तेरे को टॉर्पर दे दे के भाई बेहोश कर दूँ तो मैं क्या भाई, कहाँ है ये, कौन सी चिड़िया से पाला पड़ गया गाइस मेरा। हाँ भाई यार ये तो भाई चिपकू गर्लफ्रेंड की तरह पीछा ही नहीं छोड़ रहा भाई, चल भाई तेरा घर जाएगा, घर जाएगा तेरा, आ रहा है क्या तेरे को, जमदा है क्या तेरे को मारना है शेमड़े भाई। यार इसको नॉकआउट कर लूँ क्या, मेरे को लग रहा है मेरे को इसको नॉकआउट ही करना पड़ेगा गाइज, और कोई चॉइस जो नहीं गई जो अपने पास ये नहीं गई यहाँ पे, क्योंकि और तो कुछ भाई यहाँ पे ये कुछ कर नहीं पा रहा यार, मेरे को मार ना पा रहा मैं, अगर भाई रुक गया ना एक जगह पे तो मेरे को मार देगा गाइज, ठीक है चलो इसको नॉकआउट करके, इसके लिए सिल्वर बिरवट चाहिए यार। तू कहा बग रहा है, तू रेक्स को लेके आ रहा है क्या इधर, पता नहीं भाई ये कौन सा मॉन्स्टर है भाई, 4,000 मेरे टॉरपोर्ट चढ़ा दिया, अभी और 20,000 टॉरपोर्ट चढ़ाना है भाई इसको, ले बेटा पट्ट से, ले बेटा पट्ट से, पता नहीं भाई नॉकआउट टाइम तो है भाई, इसको मेरे को सिल्वर खिलाना पड़ेगा। अबे मारेगा क्या, अबे चल भाई तेरी शॉट भाई इनविजिबल शॉट चला रहा है गाइस ये देखो, बट लक भाई मतलब लकीली नहीं ये जो है ना गाइस, पता नहीं भाई क्यों मेरे को मार ही ना पा रहा है, देखो थोड़ा सा भाई ऐसा अलाइन करो, चेंज कर लो इसको, वहाँ पे मार दूँ क्या भाई, 6,000 टॉरपोर्ट चढ़ा दिया गाइस, रुको गाइस इसको बेहोश करके रखता हूँ मैं भाई, ठीक है इसको बेहोश करने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और टार्ट तो जो है ना गाइस उससे भी ज़्यादा लगेंगे, 7,000 चढ़ाया भाई, 7,400 भाई, 7,800 भाई भाई, 24,000 टॉरपोर चढ़ाने में जो ना गाइज मेरे को 4 जन्म लग जाएंगे गाइज, ठीक है 4 जन्म लग जाएंगे, 8,000 एक बार में कितना चढ़ रहा है, 400 चढ़ रहा है क्या, ठीक है मतलब माँ क्या लग भाई भाई मरते मरते 95,000 चढ़ा, ठीक है गाइज। अभी मैं इसको जो ना गाइज बेहोश करता उसके बाद गाइज आपसे मिलता, मेरे को लग रहा है जब इसका टॉरपोर चढ़ेगा ना तो बस भाई गंदी तरीके से भगना चालू हो जाएगा। हाँ भाई चल बे घर जाएगा तेरा शेमड़े, चल बे घर जाएगा, रुको गाइस इसको बेहोश कर लेता हूँ मैं, गाइस इसको लगभग 19,000 टॉरपोर जो ना गाइस वो यहाँ पे चढ़ने वाला है अभी, और मेरे हिसाब से अभी तक तो इसको भगना चाहिए था, बड़े भगने वालों में से नहीं ये लग रहा है भाई, इतने डांट मारे ना पूरे बॉडी पे, ऐसा लग रहा है कि इसके पिंपल ही पिंपल उगे हुए हैं गाइस, इतने डांट मार चुका हूँ, और इसको भाई 20,000 जो ना गाइस वो लगभग यहाँ पे लगभग नहीं भाई चढ़ गया 20,000, 4,000 और टॉरपोर इसको चढ़ाना बाकी है भाई, ठीक है अभी 21,000 चढ़ने वाला है गाइस इसको टॉरपोर, ये लो गाइस ठीक है 3,000 और टॉरपोर, उसके बाद गाइस ये बेहोश सीधा, और इसको मैं बेहोश ही रखूंगा जब तक ये जो सिल्वर बिल्वर फलाना डिलाना जो भी चीज़ है ना गाइस वो मैं बना नहीं लेता, और जैसे बनाऊंगा ना पहले इस मॉन्स्टर को टेम कर लूंगा मैं भाई। इधर आ भाई, प्रथम तो मेरे को स्मृति बनानी पड़ेगी जिसके अंदर ये सिल्वर जो कि इसको टेम करने के लिए चाहिए वो चीज़ उसके अंदर बनेगी भाई। इसका टॉरपोर तो नहीं उतर, नहीं उतर तो नहीं रहा गाइस जल्दी जल्दी, ठीक है और ये भाई पीछा भी नहीं छोड़ रहा मेरा, समझ नहीं आ रहा है कौन सी भाई आप है, अजीब सी भाई प्रजाति का डायनो है गाइज, और इसका नाम भी अवतार है 390 लेवल का है ऊपर से गाइज, ठीक है भाई हो गया भाई घर जाएगा तेरा भाई, तो बेहोश हो गया क्या भाई, क्या चीज़ है रे, क्या चीज़ है, इसके अंदर सिल्वर डालो भाई, सिल्वर नहीं है चुपचाप ये खा ले, और ये खा के चुपचाप बैठे रहे इधर इच भाई, सिल्वर डेम करने मतलब बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को भाई, सिल्वर तो ऐसे खड़े खड़े बन जाएगा, ये मेरे इन्वेंटरी में बनता का सिल्वर, रेयर फ्लावर रेयर मशरूम स्ट्रिंगबेरी मेडल, आर यू कॉमेडी मी है वाइटल लिमिट गाइज ना, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, सिल्वर मेरे इन्वेंटरी में बनेगा क्या, सिल्वर मेरे इन्वेंटरी में बनेगा, मेरे को जाके देखने दो गाइज, अगर बन रहा है तो स्टिम बेरी तेरे भाई के पास पड़ी हुई है, ए पड़ी है ना रे, अरे वो सफ़ेद वाली बेरी, हाँ 34 पड़ी हुई है, तो ये पीढ़ी तेरे को क्या चाहिए, मीट चाहिए क्या, रुको गाइज हाँ ये गरीब से पीढ़ी को टेम करने दो पहले तो मेरे को, ठीक है हाँ भाई टेम हो जा, चल जल्दी जल्दी टेम हो जा तू भाई, तेरी अभी जरूरत नहीं क्योंकि मैं भाई उस मॉन्स्टर को डेम करने वाला हूँ भाई, जल्दी से डेम हो जा, ठीक है तू डेम हो रहा है तब तक मेरे को बता, देखने दो यहाँ पे जो सिल्वर है ये सिल्वर के लिए मेरे को क्या चाहिए, और भाई मेटल रेयर फ्लावर स्टिम्बल भाई, रेयर फ्लावर की बात कर रहा है तू भाई, रेयर फ्लावर मैं एक सेकंड में यहाँ पे जमा करके दे दूँ तेरे को, कितना चाहिए रेयर फ्लावर बता, कितना चाहिए रेयर फ्लावर, कितना चाहिए रेयर फ्लावर चाहिए कितना बता बस खाली भाई, भाई 20-30 ले ले भाई, ज़्यादा नहीं है ज़्यादा नहीं, मेटल बहुत ज़्यादा जा रहा, रेयर फ्लावर हो गया मेरे पास, मीट चाहिए मेरे को, स्टिमबेरी चाहिए और भाई मेटल इनगट चाहिए भाई, मीट स्टिमबेरी और मेटल इनगट ना, अभी मीट का जुगाड़ कहाँ से भाई, भाई मैंने प्राइमेट जो था उसके अंदर डाल दिया रे, है गाइज प्राइमेट जो था उसके अंदर डाल दिया, रुको गाइज हाँ
रुको रुको रुको, इसको बेहोश रख भाई, इसको बेहोश रख। अभी पीटी का इस्तेमाल करेंगे गाइस हम लोग भाई। इस खतरनाक से मॉन्स्टर को तो आज मैं टेम करके रहूंगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं ये भाई कौन सी क्या चीज है, कहाँ से आई है, बट इसको मैं टेम करके रहूंगा, ठीक है। एटलीस्ट हमारे पास एक पावरफुल सा कोई डायनो तो आएगा भाई। हेल्थ में पॉइंट ले ले भाई, इसके हेल्थ में पॉइंट ले ले, और इतना भाई डैमेज इसका जाना चाहिए कि स्टेगो को मार पाए भाई, ठीक है। अबे ये नहीं खिलाना इसको, इसको एफएम के वाला ये पोशन खिला दें, ठीक है। बाकी तो स्टीम बेरी कितनी चाहिए थे मेरे को पता नहीं भाई, रुको मैं सिल्वर बना के जो ना कहता जिसको टेम करके रहूँगा गैजा भाई। आज तो ये टेम हो गया रहेगा तेरे भाई से। स्टीम बेरी कितनी आ गई है भाई, 20-30-40-100 स्टीम बेरी चाहिए क्या सिल्वर के लिए, मेरे को भी पता नहीं यार। सिल्वर के लिए तो चाहिए भाई, अरे 100 भाई, गिन के 100 स्टीम बेरी चाहिए, ठीक है। रुको भाई, 2500 हो गई, ये हो गए भाई 50 भाई, स्टीम बेरी हो चुके हैं। मेटल इंगट घर पे पिघल चुका है, मतलब बन चुका है। बाकी अभी मेरे को बस प्राइम मिड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो प्राइम मिड का जुगाड़ जो ना गाइस वो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा भाई, ठीक है। ये रहा अपना प्राइम मिड, यहाँ पे 200 भाई घर जाएंगा तेरा, क्या कर रहा भाई तू, 600 का डैमेज ना मेरी जान, मैं पट्टे से हेडशॉट दूंगा भाई। वो देखो ए भाई, डीजे मत जा, वो कुछ तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक भाई अटैक कर रहा, ये नॉर्मल आलू नहीं है। अरे माँ की आग, तू कौन है रे, साढ़े कौन सा आ रो है, कारण है भाई, भाई मेरा शिकार है भाई, मैं मार के रहूँगा भाई, जान जाए तो जा, हमारा शिकार ना जाए भाई, कारण सर भाई, जान जाए तो जा लेकिन शिकार ना जाए भाई। अरे मालिक तो आग भी छोड़ रहा, उतने दूर से कैसे आग छोड़ सकता तू भाई, आग भी छोड़ रहा, पता नहीं क्या क्या छोड़ रहा है भाई। वो देखो फवारे भाई जमीन के अंदर से निकल रहे हैं। हाँ भाई मिल गया पिरामिड, निकलने दो मेरे को यहाँ से, ठीक है। अब मेरे को बताए सिल्वर भाई तेरे इन्वेंटरी में बनेगा, ये सिल्वर बनाने के लिए मेटल भाई पिरामिड तो है ना अपने पास यार मेरी जान, ये ले पिरामिड। पिरामिड का सीन नहीं कोई, स्टैमिना में पॉइंट डाल, इसके इसमें पॉइंट डाल दे थोड़ा सा मिली डैमेज में, ठीक है भाई। मेटल की बात नहीं है, मेरे को ये बता तू सिल्वर बनाएगा कि वो भी एक ही चाहिए मेरे को, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। हो गया भाई, मैं भाई चिंगालाला हूँ, ये भाई मॉन्स्टर मिन्स्टर जो भी है इसको टेम कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल, मेरे को विश्वास ना हो रहा। हो जा रही टेम है, हैं हाय भाई। अबे यार ये क्या हो गया, हाँ एक्सेस इन्वेंटरी। अब भाई ये तुम्हारा सैडल भी डलेगा कुछ, अवतार सिल्वर, अवतार अवतार सिल्वर। अबे अवतार भाई तुम्हारे ऊपर बैठ ना सकता क्या मैं भाई, अजीब सा भाई मॉन्स्टर पकड़ा मैंने भाई, इसको ऊपर बैठ सकता हूँ कि नहीं ये मेरे को पता नहीं यार बिल्कुल भी। ये देखो गाइज करप्टेड अवतार सिल्वर गाइज, ठीक है। पता नहीं भाई ये क्या है भाई, हाथ में क्या है तेरे, इनविजिबल स्वॉर्ड, पता नहीं गाइज, बट तू रेसिडेंट इवल वाला जुम्बी लग रहा मेरे को, खतरनाक सा जिसको आज मैंने पकड़ा भाई, भाई काफ़ी अजीबो गरीब है भाई, वो मेरे से भाई 10-20 गुना ज़्यादा साइज में बड़ा है भाई। करप्टेड अवतार सिल्वर भाई, सिल्वर करप्टेड अवतार का है क्या, अवतार अवतार का कुछ तो होगा ना गाइज यार, करप्टेड अवतार, नहीं यार अवतार का जो है ना गाइज यहाँ पे कुछ भी सीन मेरे को दिखा ना दे रहा गाइज, ठीक है। मतलब अवतार जो है ना गाइज उसका सैडल बिडल दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ठीक है। चलो मैं अवतार का डैमेज देख लेता हूँ भाई, ठीक है। नॉर्मल सिल्वर, अबे स्टैमिना में कौन पॉइंट डालता भाई, स्टैमिना में गलती से पॉइंट डाल दिए। ये भाई तेरी हेल्थ कितनी होगी बता मेरे को भाई, 1 मिलियन हेल्थ है भाई। इधर आप फॉलो कर ले मेरे को, फॉलो कर ले भाई, अभी अभी दिखाऊंगा गाइज मेरा जलवा में भाई। वो रेक्स की तरह जो भाई हू करके चिल्ला रहा था यहाँ पे भाई, तेरे को जाके उस रेक्स को मारना है भाई। दौड़ कैसे रहा है देखो भाई, आ जा तो आ जा मेरे बिच्चू बिच्चू, हाँ मेरे बिच्चू बिच्चू, हाँ तेरे को दिखाता मैं कि अपना शिकार कौन है भाई। रुको गाइज रुको भाई, इतनी मेहनत करी गई जिसको नॉकआउट करने में, अभी वो रंग तो लानी चाहिए ना। वो रहा रेक्स भाई, रेक्स लोग वहाँ पे पावरी कर रहे, जा चेप क्या जा, मैं को पता नहीं बाप रे फुल स्पीड में गया, अरे फुल स्पीड में गया भाई, फुल स्पीड में गया। ले बेटा पट्टे से तलवार से मारा 74,000 का डैमेज, ले मार काटल। ओ भाई साहब, इसको कौन काटेगा, इसको काटल पट्टे से पेटी। ओ भाई साहब यार, ये खतरनाक भाई है, भले दिखने में थोड़ा सा भद्दा हो लेकिन है काफी ज्यादा खतरनाक वाला रे सर। अगली बार ना पंगा नहीं लेना मेरे सामने, आके ऊ करके चिल्लाना नहीं वरना चेप डालूंगा डायरेक्टली। विल प्लेट काम करा रे तूने, तो तूने तो विल प्लेट काम करा, इसका 1.5-2-3 लाख तक मैं डैमेज लेके जा सकता हूँ गाइस यहाँ पे, अच्छी बात है। चलो चलो अभी इसको मैं क्रैक कर लेता हूँ, इसको जो ना कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इस्तेमाल करूंगा। बाकी अभी मेरे को जो ना कि सीमेंटिंग पेज चाहिए। मेरे को बताइए एपिसोड जो ना थोड़ा सा लंबा बन रहा है, बट इसके जो ना इस वाले मॉड के मैं दिन में बस एक ही एपिसोड डालूंगा गाइस, ठीक है।
सो इसलिए जो भी एपिसोड आएगा वो थोड़ा सा लंबा सा आएगा, ताकि आप लोगों को ना, हाँ और आप लोगों को जिन्होंने देखा नहीं, मैं एक चीज दिखाता, ये क्या डिसऑर्डरली किंग भाई, ठीक है, उसके नजदीक जाने से क्या होता है पता आपको, इसके नजदीक जाने से तूफान क्रिएट हो जाता है, पूरा वेदर चेंज हो जाता है। ज्यादा नजदीक जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि इकलौता पीटीएम गाइस मैं इसको मरवाना नहीं चाहता हूँ। और इसके पूरे सर पे ना आप लोग को अलग अलग भाई इसे आंखें देखने को मिलेगी, ये अपना खतरनाक सा बॉस भाई। और मैं इसके नजदीक भाई बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहूंगा। ये यहाँ पे एक वाइब्रन दिखाई दे रहा है, बट ये वाइब्रन ओल्ड है भाई, 49 बस 49 मिलियन टॉर्पुर भाई, टॉर्पुर तो इतना दिया गया है ना जैसे एक सेकंड में 49 मिलियन टॉर्पुर दे दूंगा भाई इन लोग को। गाइस इनका टॉर्पुर का भी कुछ तो सीन होगा, बट मुझे ना पहले भाई इलेक्ट्रॉनिक बिलेक्ट्रॉनिक का जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी जाके जो ना गाइस मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जो मेन चीज़ है ना सीमेंटिंग पेस्ट, वो लेने के लिए आया होगा इसमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मुझे सीमेंटिंग पेस्ट मिल जाए। ओह शिट, बदल मैगमासोर गोल्ड, अबे गोल्ड नाम तो ठीक है बट ये सच में दिखने में गोल्ड है, और अटैक भी भाई काफी ज्यादा खतरनाक वाली कर रहा भाई। मैगमासोर है वहाँ पे अंदर, वो कोई नॉर्मल मैगमासोर नहीं है बाबा, मैंने देखा भाई काफी खतरनाक था दिखने में। अबे जा रहे तुम्हारा बीवर डैम चुरा लिया मैंने, अब क्या उखाड़ लोगे मेरा बेस गया तुम लोग, अब क्या उखाड़ लोगे, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत भाई, अब क्या फायदा। इधर आ रहे हो अभी, ये भी लूट के भग जाऊंगा मैं, चलो भाई ये भी लूट के भग जाऊंगा, चलो भाई इसकी आँख, अभी इधर आयो, अभी इधर आयो तो ये वाला लूट के भग जाऊंगा भाई। इनके सारे भी वोट हम लेके लूट के चुना के इसमें भग जाता हूँ भाई। ये 500 भाई मिल गया सीमेंटिंग पेस्ट, आ जाओ चलो भाई यहाँ पे मैं आपको मैगमासोर से मिलाता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ नीचे वाले भी वोट हम लूट लूँ, बट ये देखो भाई साहब, भाई 2 लाख ही इसका टॉर्पर है और इसको गोल्ड गाइस खिलाना पड़ेगा मेरे को अगर टेम करना है तो, ठीक है। वैसे इसको भाई टेम करने की आउच आउच, अबे लौले लग गए भाई, वो एग्रो भी ग्रो ना हो जाए, कम ऑन आ जा, हाँ ठीक है चलो लेट्स गो। गाइस मेरे को एक बार देखने दो कि गोल्ड अगर मेरे को बनाना है, सिल्वर तो मैंने बना लिया, बट अगर मैं गोल्ड बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, सल्फर और सिल्वर। अच्छा ये काइंड ऑफ कुछ तो सिल्वर चाहिए, मतलब मुझे सिल्वर वाले डायनोस को मार के शायद से सिल्वर बिल्वर मिलेगा वो चाहिए होगा मुझे, और सल्फर चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तेरा हेल्थ कितना है, उलाला उलाला ना गाइस, रुको गाइस मेरे दिमाग में खतरनाक सा प्लान आया है, ये गोल्ड है ना गाइस, और अपने पास है अपना ये मॉन्स्टर वहाँ, ठीक है भाई एक काम कर ले, मैं इसको इम्प्रिंट कर रहा हूँ गाइस, इम्प्रिंट कर रहा हूँ मैं, करेगा इसको इम्प्रिंट, आ ये इम्प्रिंट हो गया, मालिक को फॉलो करेगा, फॉलोर है वो 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 वो। अच्छा ये भाई अटैक करता है क्या, गो 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 पावर रेंजर्स, ये दुनिया के रखवाले पट से बेटी, अरे भाई वन शॉट पे गोल्ड, काय का गोल्ड भाई, पेटी बना डाली भाई उसकी तो भाई, पेटी बना डाली गोल्ड बोले, अबे किस चीज का गोल्ड है भाई तू, अबे बीवर डैम्स ने स्टील मेरा पीछा नहीं छोड़ा है क्या, अबे बीवर डैम्स तो बहुत ज्यादा हराम ज्यादा निकले, अबे स्टील मेरा पीछा कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा सीमेंटिंग पेस्ट ही तो भाई चुराया था भाई, वापस से बना लेना ना जाके। वैसे मेरे को लगा था इसको मारने से खास कुछ चीज मिलेगी, लेकिन कुछ भी ना मिला मेरे को, रुको इसको, अरे बेच के रिंगा रिंगा रोजेस करा देता हूँ। चलो भाई घर गया भाई, घर पे पहुँच गया भाई मैं, ठीक है रुको मेरे को देखने, तो मैंने उस गोल्ड को मारा तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ मिला, ये मिला ना मेरे को भाई, फ्यूल फॉर एनर्जी फर्नेस ओके, और मेरे को मीट मिला है गोल्ड वाला, और भाई गोल्ड वाला एक हाइट मिला है मेरे को भाई, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस ये वाला जो मॉन्स्टर मिला है ना, इसने अपनी भाई लाइफ चेंज कर दी गाइस, अभी इसकी मदद से मैं यहाँ पे जो ना फुल टू तबाही मचाएगा भाई, और दिखने में भी काफ़ी खतरनाक है गाइस। इसके लिए क्या नाम रखूँ मैं, ये नाम आप सजेस्ट करना गाइस, इस भाई मॉन्स्टर के लिए मेरे को क्या नाम रखना है। बाकी तो ये वाला एपिसोड हम लोग ये पे खत्म कर दे, अभी हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है, और सिंथेसाइजर जो है ना गाइस वो बनाने के लिए मुझे कुछ भाई इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होंगी, वो इलेक्ट्रॉनिक का जुगाड़ हम लोग जो ना आने वाले एपिसोड में कर लेंगे। मेरे को इधर उधर ढूंढ के किसी टेक वाले डायनो को निकालना पड़ेगा, और उस टेक वाले डायनो को मारने से मुझे मिल जाएगा जो चीज़ चाहिए वो। बाकी तो ये वाला एपिसोड हम लोग ये खत्म करते हैं, मिलते अगले एपिसोड में, जाते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और आज का एपिसोड कैसे लगा वो भी जरूर बता देना। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then